लंच के बाद हम रुक गए थे, उसके बाद सेकेंड सत्र जो शुरू हुआ। फाइनली हम जा रहे हैं नया रायपुर, इस बस में, येलो वाले बस में चलेंगे अभी। हम भी मैं चलूंगा। चलिए आप भी चलिए। हम आ गए हैं रायपुर का श्री राम मंदिर जी जी। और यहाँ तकरीबन बज रहे हैं अभी 7:30। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ पर श्री राम जी का लड्डू प्रसादम ले सकते हैं। ये जय श्री राम। श्री राम के साथ है। ये मेन गेट है, काफी भव्य है वाकई। यहाँ का जो कलर है पिंक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना अच्छा कलर है। जय श्री राम, काफी अच्छा ही है, कितना भव्य लग रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हाँ भैया, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं? जी जी, पहली बार आए हैं। हाँ, और काफी अच्छा लग रहा है, यानी कि स्टार्टिंग एंट्री करने से पहले ही हमको यानी कि मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो आसपास। यहाँ पर गार्डन भी है, बच्चे खेल भी सकते हैं। और ये जो फूल है कुछ हट के लग रहे हैं फूल। हाँ, बहुत लग रहा है कि ना हम लोग रजनीकंदा या जो एक रात रानी होती ना, वो उस प्रकार से इसकी खुशबू है। और आप ये कल्पना नहीं कर सकते, रायपुर शहर है यहाँ पर, आपको यहाँ पर खुशबू ही बिखरे हुआ है। गार्डन मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया करा राधा का तू ही शाम, जन्मों जन्म धड़कन में सिया राम मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया करा राधा का तू ही शाम, जन्मों जन्म का। और यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं, और ये जो आयोजन हो रहा है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायपुर में स्वजन बंधु आए हुए हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि श्री राम मंदिर के दर्शन यहाँ करने के बाद? प्रभु राम जी का दर्शन लगातार करते रहे हैं, लेकिन आज जो अपने इष्ट जनों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सामाजिक बंधुओं के साथ जो यहाँ आए हैं, तो एक अलग वातावरण बना है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सुबह से बहुत अधिक काम में जूझे रहे होंगे आप, मगर अभी शाम को तकरीबन 8 बज रहे हैं, रात हो गए हैं, और इसके बाद भी सभी ऊर्जा बची हुई है, बहुत एनर्जी। ये जो समूह है ये वो ऊर्जा दे जाती है, और हम सब लोग एक साथ आकर के यहाँ दर्शन के यहाँ बैठे, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी हमको मिली है, और सबके चेहरे पर यहाँ घूमने का चहचहाहट है, मुस्कुराहट है। अभी आने वाला जो कार्यक्रम है वो और बहुत शानदार होने वाला है। एक जयकारा तो बनता ही है फिर। सियावर रामचंद्र की जय। भैया हम लोग आज कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग राठौर विकास फाउंडेशन के कार्यक्रम में आज वार्षिक समीक्षा बैठक थी, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर का दर्शन करने आए थे। भगवान श्री राम जी के मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर अंजलि माता की भी मंदिर है, जिसके दर्शन करने से आप अपने मनचाहा वर पा सकते हैं। भैया के श्री रामचंद्र जी भैया के मस्तक में जो टीका लगा हुआ है, शिव मंदिर में लगाए हैं भैया। हाँ, शिव मंदिर में लगा है, हम भी जाकर लगाते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर रामचंद्र की जय।
लड़का मन लड़की मन के रहे तो इससे आवाज रहे भाई माता का अनुभव। आप सभी का YouTube चैनल सोलिस राठौर सोलिस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सोलिस राठौर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप एजुकेशनल के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सोलिस ब्लॉग है ये तो बहुत ही अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ट्रेवलिंग ब्लॉग है। जी हाँ, मेरे जो दिनचर्या है और मैं जब ट्रेवलिंग करता हूँ उससे संबंधित ये वीडियो होता है, तो ये बहुत अधिक खास है। बिल्कुल आप इसको छोड़िएगा मत और इसकी भी मत कीजिएगा। सोलिस राठौर YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और सोलिस ब्लॉग में भी, तो जरूर बने रहिएगा। YouTube पर जाएं, सोलिस राठौर स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHOLESH सोलिस राठौर सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों चैनल दिखाई देगा और आप वहां सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मेरे बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है कि ये आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सोलिस ब्लॉग्स है उसका थंबनेल ऐसा है और सोलिस राठौर है उसका थंबनेल ऐसा है, आप इसे देख सकते हैं और बहुत अधिक सीख भी सकते हैं, मजा जरूर आएगा। मिस मत करिएगा वीडियो, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।